खबर बालाघाट से। बालाघाट पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण तथा संवर्धन के लिए कार्यरत सेवा संस्था गोंदिया के द्वारा जिले में सारस पक्षियों के गणना का कार्य किया। सारसों के लिए बालाघाट की आबोहवा और मौसम अनुकूल होने के कारण हजारों किलोमीटर की यात्रा कर ये पक्षी यहां पहुंचते हैं और प्रजनन काल पूर्ण होने के बाद पुनः लौट जाते हैं। सेवा संस्था गोंदिया के द्वारा बालाघाट और गोंदिया में सारसों की गिनती की गई। इस दौरान बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, वन विभाग एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कृषक एवं स्वयंसेवियों ने 13 से 18 जून तक बालाघाट और गोंदिया जिले में क्रमशः 23 और 21 टीमों के द्वारा जिले में सारस की गणना की गई। कलेक्टरेट कार्यालय में कलेक्टर दीपक आर्य ने शनिवार को सारस गणना के परिणामों को घोषित किया, जिसमें बालाघाट जिले में 58 सारस पाए, वहीं गोंदिया जिले में लगभग 47 की गणना की गई है। अभी बालाघाट और गोंदिया में अलग अलग जिले में कितने सारस? लगभग गोंदिया जिले में लगभग 40 से 48 सारस काउंट हुए हैं और जो बालाघाट जिले में लगभग 58, ऐसे दोनों मिला के 100+ सारस हम लोगों ने काउंट किया और मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें जो हमारी संपूर्ण सेवा टीम जो है पूरा दिन रात इस चीज़ के लिए प्रयत्नशील है और काम करिए रही। साथ में जो हमें स्थानीय किसान प्रशासन और स्वयंसेवियों का भरपूर सहयोग हमें मिला है। बालाघाट से खबर भारतवर्ष के लिए राहुल शिववंशी की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।